एलिगेशन लेके आए हैं कि मेरा हस्बैंड के ऊपर कि 2016 में मेरा शादी हुआ था, 8 साल हम लोग अच्छे से ठीक ठाक बिताए और अभी मैं प्रेग्नेंट होने के बाद 4 महीना से मुझे मर्डर का धमकी दे रहा था। मार्च महीना में मुझे बहुत धमकी आया, रिकॉर्डिंग किया हम डीसी के पास, हम 11 मार्च को कंप्लेन भी देके गया। उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मुझे लेके घर चला गया कोलकाता कि ऐसा थाना पुलिस मत करो, हम सब ठीक कर देंगे, बच्चा लेना है ठीक है लो बोल के हमको वहाँ पे 3 दिन कोलकाता में रह के आया। कोलकाता में 3 दिन रह के आके उसके बाद से मुझे ब्लॉक कर दिया। अब मार्च महीना से हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख को मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब मर्डर करने का कोशिश किया, मेरे गले में फांसी दिया ऐसे दुपट्टा से और बहुत मारा हमको। 2 दिन हम हाईटेक चौक में भर्ती था। हाँ, उसके बाद मंचेस्टर थाना में केस हुआ 25 तारीख को, अभी तक 25 मार्च 2022 तो उसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जब भी थाना जाते हैं बोल रहा तुम्हारा हस्बैंड नहीं मिल रहा है, ऐसा बोल के अभी 5 महीना बीत गया, अभी तक मुझे जस्टिस नहीं मिला। बच्चा उनका है? हाँ, बच्चा उनका है। हम अभी भी उनको बोल रहे हैं कि बच्चा हो गया, अभी DNA टेस्ट करो, उसको पकड़ो, कुछ नहीं कर रहा है पुलिस, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए हम DCP के पास आए कि मेरा जो 2017 में भी सेम प्रोसेस, मुझे घर के अंदर लॉक करके 2 दिन बंद करके दवाई पिला के मुझे बहुत टॉर्चर किया था और मेरा बच्चा गिराया और उसमें धारा दिया था 130। अब हाई कोर्ट वो बेल लेने गया था, हाई कोर्ट से हम रिजेक्ट किया उसका बेल। अब जहाँ पे हाई कोर्ट बेल रिजेक्ट कर दिया वहाँ पे थाना कैसे बेल दे दिया उसको, मेरा हस्बैंड को मंचेस्टर थाना बेल दिया। मेरा हस्बैंड का नाम है विराट कुमार महापात्र, वो राजधानी फर्नीचर का ओनर है और उसका बिल्डिंग प्रमोटिंग जो प्लॉट बनाता है वो बिजनेस भी है, आधा साइट में टुक टक बिजनेस तो बहुत ही है। सब पुलिस उसको हर कोई सैल्यूट मारता है हर थाना। उनके साथ कैसे कांटेक्ट हुआ, आप क्या करते थे पहले? हम पहले एल्बम गाना के लिए आए थे यहाँ पे और उसी बीच में उसके साथ हमारा मुलाकात हुआ था और वो झील की झिप्पा बोल के एक मूवी था, उस मूवी में वो फाइनेंस किया था, जो डॉक्यूमेंट सारे हम पुलिस को सबमिट किया। उसके बाद जैसे एक लड़की अनमैरिड रहती है तो लड़का बोल रहा है प्रपोज किया, उसी हिसाब में दोनों में घूमना फिरना होके लव हुआ, होने के बाद डायरेक्ट शादी किया हम लोग। जिस दिन शादी किया उसी दिन दूसरे दिन ही मतलब वो घर रेंट पे ले लिया हाईटेक चौक में, हाईटेक चौक में हम लोग रहते थे 2 साल और उसके बाद 2 साल रहने के बाद हम लोग का मतलब हम घर गए थे, वो बोला हमारा तबीयत ख़राब है। 2018 में हमको पता चला कि उसके बीवी है 2018 में, तो वहाँ पे भी 490 केस हुआ टाउन थाना में 2018 में टाउन थाना। जब एक साल जब एक महीना वो मेरे से खाली फ़ोन में वीडियो कॉल में बात कर रहा है, मिलने नहीं आ रहा था, तो हम खुद आ गया था पूरी में। पूरी में आके रिक्शा वाला लोग को फ़ोटो दिखाया कि राजधानी फर्नीचर का घर कहाँ है, हमको डायरेक्ट 50 रुपया लिया, उसका घर दिखाया। घर में जब कॉलिंग बेल खोला तो देखा मेरा हस्बैंड दरवाज़ा खोला, हम बोला तुम तो बोला ट्रीटमेंट कर रहे हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो फिर देख रहा घर से एक औरत निकला, हम बोला ये कौन है, तो मुझे बोल रहा है बैठो बात करते, बैठ के बात करते, तो फिर दोनों में बातचीत हो रहा था, उसी बीच में वो मेरे को थप्पड़ ओप्पड़ मार रहा है, तो हम 100 डायल किया, पुलिस आया, पुलिस आके उसको सैल्यूट कर रहा है और बोल रहा है कि तुम लोग का आपस का म्यूचुअल तुम लोग आपस में कर लो बोल के पुलिस फिर चला गया। हाँ, पूरी में पूरी का पुलिस सब उसका मतलब कोई कार्रवाई नहीं करता है।